हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने स्किल के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की एक स्किल है। आज इस वीडियो में हम लोग स्किल की सहायता से कुछ स्किल से संबंधित जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर, इंच, फुट और मिलीमीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपनी स्केल की सहायता से बड़े ही सरलता से इन्हें सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि स्केल हमारी कैसी होती है और इसमें जो लिखा होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस स्केल में यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इस तरफ का ये जितना भी एरिया है इसमें सारे सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, अर्थात 0 से स्टार्ट होकर के ये 15 तक इसमें लिखे हुए हैं। अर्थात ये लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और इसी तरीके से ये यहाँ तक ये लास्ट में 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इस तरीके आप लोग समझ गए होंगे कि इधर का जो दिया गया है पार्ट, इससे हम सेंटीमीटर वाली लेंथ को माप सकते हैं। अब इसके इस तरफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, किसी किसी स्केल में या ज्यादातर स्केल में यहाँ पर भी नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये इससे इसमें छोटे खाने होते हैं और इसमें कुछ बड़े खाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि इसको हम लोग इंच बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है तो हम लोग इसको 0 बोलेंगे, ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है और लास्ट में 6 है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक छोटी सी बीच में लाइन देख रहे होंगे जो कि इसके 5 को प्रदर्शित करता है, अर्थात बीच वाले पार्ट को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमें लेना है तो इसको हम बोलेंगे, अगर ये 5 है तो यहाँ पर अगर कोई चीज है तो ये 5.5 हो जाएगा, 5.5 इंच, यानी कि ये आधे पार्ट को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी होता है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बोलेंगे कि ये क्या है तो इसको बोलेंगे 1.5, क्योंकि इसको जब काउंट करेंगे तो ये 5 होगा, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये 10 होगा तो ये अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स है इसके बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में ये जो बॉक्स है ये 10 होते हैं, ठीक है, जिनको हम मिलीमीटर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, यानी छोटी छोटी जो लाइनिंग है, इनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कितना आसान है स्केल से याद करना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो पार्ट हैं यहाँ पर, ये जो भाग हैं, इनको हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। एक लाइन 1 मिलीमीटर होता है, फिर दूसरी को ले लेंगे तो ये 2 मिलीमीटर हो जाएगा, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 में ये थोड़ी सी बड़ी है, फिर उसके बाद 6, 7, 8 और 9, इसके बाद 10। तो जो यहाँ पर 10 मिलीमीटर पर आएंगे तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी जैसे ही 10 होगा तो फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जान गए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ, यानी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि जो स्केल में छोटे वाले भाग होते हैं उनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। इसी के बाद आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 0 से 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके अगर 100 तक चले जाएंगे तो ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। यानी 1 मीटर
इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं, ये हमारे इंच होते हैं, यानी ये जीरो, यहाँ से वन, वन इंच, टू इंच, थ्री इंच, इसी तरीके से ये जो हमारी स्केल है ये सिक्स इंच की होती है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस तरफ ये सेंटीमीटर है और इस तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक इंच है। अगर एक इंच को इधर इस तरफ अगर लेकर के जाएं तो ये हमारा लगभग कितना आ रहा है, फाइव, यानी 2.5 के पास मैच कर रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, जो हमारे पास एक इंच है, एक इंच को अगर सामने सेंटीमीटर की तरफ ले जाएंगे, जैसे ही सेंटीमीटर की तरफ ले जाएंगे सामने, तो ये 2.5 के पास आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बड़े ही सरलता से बता सकते हैं कि एक इंच बराबर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन दोनों लाइनिंग में, ये दोनों लाइनिंग बिल्कुल सेम या सामने से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये वाली जो लाइन है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रही है और जो इंच वाली लाइन है वो थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रही है। आप लोग और भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे कि ये दोनों लाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंस में है। इसका मतलब वन इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होगा। तो एग्जैक्ट क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वन इंच बराबर 2.5 और 4 होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्केल की सहायता से आसानी से याद रख सकते हैं कि 1 इंच बराबर 2.5 और 4 को और याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर यही एग्जैक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर एक लास्ट फुट बचा हुआ है, तो फुट क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक 6 इंच की स्केल है, ओके, 6 इंच की स्केल है। अगर मैं इसी को डबल कर दूँ, अर्थात एक स्केल इसी के साथ में और रख दूँ, तो ये हमारा 6+6 इक्वल टू 12 इंच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डबल स्केल की जो लेंथ होती है वो हमारे पास एक फुट होती है। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि 6 इंच की एक स्केल होती है और अगर हम उसको डबल कर दें तो हमारे पास 12 इंच मिल जाएगा, जिसको हम लोग एक फुट बोलते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बड़े ही आसानी से स्केल की सहायता से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इंच और फुट के बारे में सीखा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।